नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की नई प्रवेश परीक्षा की तिथि के बारे में बता दिया गया है। 11 अगस्त को आप लोगों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो सभी स्टेट की जो परीक्षा होनी है अब 11 अगस्त को होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कब से डाउनलोड होंगे और एडमिट कार्ड को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है वो अभी वेबसाइट पे नहीं डाला गया है। कुछ लोग जो है पुरानी वाली वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा। तो अभी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके एडमिट कार्ड जल्द ही वेबसाइट पर डाले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके एडमिट कार्ड हैं आपकी परीक्षा से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए जाते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम 11 अगस्त से हैं, तो 11 अगस्त से मान लो आपके एग्ज़ाम है तो लगभग समझ लो कि 25, 26, 27 तक आपके एडमिट कार्ड नहीं 28 तक आपके एडमिट कार्ड लगभग जारी कर दिए जाएंगे। वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां से आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और वहां पे आपको कैसे पहुंचना है वेबसाइट पे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा अपने मोबाइल फ़ोन या फिर आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप गूगल खोल लीजिएगा। उसके बाद में आपको सर्च बार में लिखना है NVS, आपको केवल NVS लिखना है NVS। उसके बाद में आपको सर्च करा देना है और जैसे आप सर्च कराएंगे जो नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा नवोदय विद्यालय समिति, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो इसका होम पेज है अभी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज शो हो रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम पहले जो है होने थे 16 मई और जो है 19 जून को, उसी के बारे में बताया गया था जो पोस्टपोन किया गया था। साथ ही बताया गया था कि जो नई परीक्षा तिथि आएगी आपके परीक्षा होने से 15 दिन पूर्व उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो लगभग समझ लो कि 15 दिन पहले आपको सूचना मिल चुकी है, अब आपके एग्ज़ाम जो है 11 अगस्त को कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड के लिए आपको कहाँ पर जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको इस मैसेज को, इस क्रॉस का जो निशान है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्रॉस का निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। और जैसे आप कट कर देंगे और कट करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 लाइनिंग है, तो आपको सिंपल सा इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा JNVST क्लास 6 एडमिशन इसके ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जो है नेक्स्ट पेज पे भी पहुँच जाएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है यहीं से डाउनलोड होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो सिंपल सा आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि अभी जो है यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम यानी कि पोस्टपोन किए गए थे उसका नोटिफिकेशन यानी कि डाला गया है, और जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा यानी कि आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डाले जाएंगे, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को आसानी से चेक कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही आपके एडमिट कार्ड या फिर प्रवेश पत्र आएंगे उसका जो यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक है आपको एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बना के बता देंगे। आप लोग डायरेक्ट वहां से क्लिक करके अपनी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही पासवर्ड को डाल के लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।